सर्वधर्म समभाव के प्रतीक हजरत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन का 101वां सालाना उर्स आज से 22 अगस्त तक अकीदत व उत्साह से मनाया जा रहा है। देश भर से बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ने लगा है। बाबा ताजुद्दीन के सालाना उर्स का आगाज परंपरागत परचम कुशाई की रस्म से आज सुबह हुआ। परचम परिसर में सज्जादानशीन हजरत सैयद यूसुफ ताजी की सरपरस्ती एवं अमीरे शरीयत मुफ्ती अब्दुल कादिर खान की अध्यक्षता में श्रीमंत पंचम राजे रघुजीराव भोसले के हाथों परचम कुशाई हुई। जब से ये उर्स की परंपरा शुरू है बाबा जान के हैयत से है, तब से अपनी खानदान का परचम का जो बाबा जान ने अपने जीवन काल में ये मान हमारे घराने को दिया था, तब से ये परंपरा आज तक चलते आ रही है और बाबा जान की दुआ से परंपरा आगे तक चलते रहेगी। और ये एक कौमी एकता की सबसे अच्छी मिसाल इस हमारे नागपुर शहर की एक ऐसी मिसाल बनी है कि पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे जग में इस मिसाल को माना जाता है और इस कौमी एकता को ये सब पूरी आवाम इसे एक साथ मिल के सब काम करती है। जो पिछले दो साल से जो यहाँ का माहौल आप देख रहे हैं या जो यहाँ का परिवर्तन आप देख रहे हैं वो सब कौमी एकता का ये नतीजा है। और जो ये आई हुई ये जो ट्रस्टी है ये सब उन्हीं की मेहनत और उन्हीं के इसका नतीजा है कि आज इतना अच्छा ये माहौल यहाँ पे हुआ हो। इस उसमें मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि लाखों लोग यहाँ आके अपनी जीवन के लिए बाबा जान से दुआ मांगते हैं, उन सब लाखों लोगों को यही कहना है कि इसी प्रकार कौमी एकता बनाए हुए रखे। और बाबा जान से मैं ये दुआ करता हूँ, बाबा जान से निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार लोगों की कामनाओं पूरी करते रहे, पूरी जनता और आवाम पे उनका ख्याल रहे और सबकी मन्नत पूरी हो, यही मैं इस उपलक्ष्य में कहूँगा। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी बाबा के जायरीन श्रद्धालु हैं उनको 101वें सालाना और उसकी मुबारकबाद देता हूँ। और इस बार के बरसात को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी सारा अरेंजमेंट किया गया है, जैसे कि जो लोगों के रुकने के लिए आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कम से कम तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फीट के डोम है। और जो अलग अलग जगह से जो बाबा के श्रद्धालु आते हैं तो उनका ऐसा लंगर जो चलता है और ट्रस्ट का भी जो लंगर चलता है उसमें ऐसे कम से कम 10 लाख जो भाविक श्रद्धालु और क्या तुम्हारा जायरीन उनके लिए यहाँ पर खाने का अरेंजमेंट किया गया है। तो ऐसा बहुत सारे अरेंजमेंट का, और इस बार की जो साज सज्जा है वो हमारे कटनी के श्री तन्नु भाई है, उन्होंने अपने तरफ से फ्री ऑफ कास्ट की है, जो एक मिनिमम जो गाड़ियों का भाड़ा ये वो था उतना ही लिया, बाकी सारा सब कुछ उन्होंने अपने तरफ से फ्री किया है। और यहाँ पे बहुत सारे अरेंजमेंट जो जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल लगाए गए, पानी पिलाने के काउंटर बनाए गए, उसके बाद कोई शरबत बांट रहा है, कोई छाछ बांट रहा है, तो ऐसे आने वाले जो जायरीनों के स्वागत करने के लिए बहुत हज़ारों लाखों लोग अलग अलग टाइप से प्रयास कर रहे हैं। देखिए पिछले बार तो अमेरिका से आई थी चादर, एक फरजाना बाजी करके वो अमेरिका से हर बार चादर भेजते हैं, इस बार भी इंशाल्लाह आएंगे। और इटली टर्की ऐसा जहाँ जहाँ बाबा के अनुसारी बाबा के जो मानने वाले वो वहाँ से चादर भेजते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बैसवारे नागपुर। आलिशान में 10 अगस्त से शॉपिंग करने पर 14 अक्टूबर को पूरे पैसे वापस मिल रहे हैं, यानी 100% ऑफ। हाँ भाई हाँ, बढ़ाए आपकी शान आलिशान। नंगा पुतला चौक, गांधी बाग, नागपुर। 3C अप्लाई।